हेलो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना कॉरपोरेट टैक्स का सिलेबस। कल एग्ज़ाम है सभी का, तो आज हम कवर करते हैं पूरा सिलेबस, जो जो टॉपिक्स मोस्टली कल कॉस्टिंग में भी ऑलमोस्ट सारा वही आया था जो हमने पढ़ा था। आज भी हम कोशिश करेंगे कवर करने की। इसमें भी हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस हो चुका है। देखो, पहली यूनिट की अगर हम बात करें, मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है। ये जो बचता, यानी कि इसमें अगर दो क्वेश्चन बनेंगे तो एक क्वेश्चन तो हमारा तैयार है अच्छे से। जो ये बचा नीचे वाला, इसको मैं दो नंबर के हिसाब से करवा दूंगा आप लोगों को। फिर देखो क्या लिखा, यूनिट नंबर सेकंड, टैक्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फ्री ट्रेड जोन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये भी करवा चुका हूँ। बैकवर्ड एरिया, ये मैं आज करवाऊंगा बैकवर्ड एरिया इस वीडियो में। टैक्स इश्यूज रिलेटिंग टू द, ये सारा हो चुका है अपना, बस ये वाला पोर्शन बचता है। शेयर होल्डर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी, बाकी ये सब हो चुका है। यानी कि यूनिट नंबर सेकंड तो हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। ये वाली 10 मिनट की वीडियो बनेगी इस वाले टॉपिक में, ये मैं करवा दूंगा। इसके बाद हम लोग टैक्स प्लान रिलेटिंग टू द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन डन, डिविडेंड पॉलिसी डन, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड डन। अगर किसी को लग रहा है ना कि इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड मैंने बहुत छोटा करवाया, तो आप लोगों की मिस्टेक है। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड में अगर ये 8 नंबर का आ जाता है, मान लो चलो, तो आपको आपको मैंने क्या डिविडेंड वाला पोर्शन नहीं करवाया, जिसे मैंने आपको डिविडेंड के बारे में बताया, ये सुनो, सेक्शन नंबर 115 ओ के बारे में बताया, डीम्ड डिविडेंड के बारे में बताया, फाइनल डिविडेंड के बारे में बताया, इंटरिम डिविडेंड के बारे में बताया, सब बताया था मैंने, तो उसका भी पोर्शन आपको यहां पर इंक्लूड कर देना है। वो तो पढ़ोगे आप, बात समझ आ रही। आंसर राइटिंग एक आर्ट है, ठीक है। आप लिमिटेड इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे दे सकते हो, जबरदस्ती इसमें भरने की कोशिश मत करो कि यार इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड इसने बहुत छोटा बताया। छोटा मैंने कुछ बताया नहीं। अगर मैं चाहता ना इस वीडियो को बहुत बड़ी कर देता इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड वाला, लेकिन मैं क्या करता, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैंने वही रिपीट करना था कि 115 वो क्या कहता है, डीम्ड डिविडेंड 222 ए से लेकर के 222 ई में क्या क्या। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी कर रखी है जिसमें मैंने डिविडेंड के बारे में बताया, तो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड आप आराम से लिख लेंगे और बहुत अच्छे से लिख लेंगे। बोनस शेयर, इस बारे में मैंने पूरी वीडियो बना चुका हूँ। इसमें बोनस डिवेंचर, इसमें नहीं बनाया मैंने वीडियो, इसको दो नंबर के हिसाब से देखेंगे। टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट टू दी ऑन और लीज, ये भी हम लोग कर चुके हैं। टैक्स प्लानिंग रिगार्डिंग टू द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये भी हमने नहीं किया, ठीक है। तो जो जो हमने नहीं किया वो, मतलब जो अभी हम 2 मिनट के लिए मान करके चल रहे हैं कि ये टॉपिक हम नहीं कर रहे, 2 मिनट के लिए, ठीक है। पहले आप उतना तो करो जितना मैंने करवा दिया, बाकी ये वाला टॉपिक तो मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से, ओके। उसके बाद ये जो आता है अपना 4th यूनिट, इसमें देखो टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल टैक्स प्लानिंग विद रिस्पेक्ट टू दी, ये वाला तो हम कर चुके हैं ना, इसको इस वाले पेन से कर दो ना, ये तो हम कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। साइंटिफिक रिसर्च वाला, मेक और बाय डिसीजन कर चुके हैं, रिपेयर रिप्लेस रिन्यूअल एंड रिनोवेशन ऑफ एसेट, ये भी हम कर चुके हैं, शट डाउन एंड कंटिन्यू डिसीजन, ये भी हम कर चुके हैं। बाकी बसता आपका टैक्स प्लानिंग रिस्पेक्ट टू दी सेलिंग इन डोमेस्टिक और दी फॉरन मार्केट एंड टैक्स प्लानिंग रिस्पेक्ट टू दी इंसेंटिव टू द एक्सपोर्टर। अब एक्सपोर्टर को क्या क्या इंसेंटिव मिलते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपने जो फ्री ट्रेड जोन वाला पढ़ा था और स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला पढ़ा है, हाँ ये वाला करवाया ना मैंने, फ्री ट्रेड जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यही आपको यहाँ पर इंडल्ज कर देना है कि अगर कोई एक्सपोर्टर बाहर देश में अपने सामान को बेचता है तो उसके लिए FTA फ्री ट्रेड जोन वाला जो रिडक्शन है ना, और आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली जो रिडक्शन है वो इसको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। और वो डिडक्शन आप लोगों को पता है, आई थिंक मैंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली करवाई है क्या ना, हाँ करवा तो दी है मैंने, ठीक है, करवा दी है मैंने, ठीक है। जो मेरी वीडियो देख रहा होगा कंटिन्यू, उसको बताऊंगी कि हाँ मैं करवा चुका हूँ। तो टैक्स प्लानिंग रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स इंसेंटिव टू द एक्सपोर्टर, तो आपको वही यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। एक्सपोर्टर को क्या फायदे मिलते हैं, है ना। अच्छा, कल मैं ऐसे क्वेश्चन देख रहा था, चलो अभी मैं क्वेश्चन पेपर लाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन पेपर आया आपका मई 2018 का, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाउ टैक्स इवेजन इज डिफरेंट फ्रॉम टैक्स अवॉइडेंस, क्या कर लोगे इसको, हाँ कर लेंगे। हाउ फर्म इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दी HUF, यानी कि यहाँ पर वो आपको पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बीच में अंतर के लिए बोल रहा है, ठीक है, कि क्या अंतर होता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि यूनिट नंबर फर्स्ट में सेकेंड पोर्शन करवाऊंगा 2 नंबर के हिसाब से, ठीक है, उसमें बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये वहां से आपका कवर हो जाएगा। व्हाट इज फ्री ट्रेड जोन, क्या मैंने आपको बताया नहीं है, बताया फ्री ट्रेड जोन क्या होता है, तो आप लिख दोगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है, यस
उसके बाद जरा आप यहाँ पर नज़र डालिए क्या लिखा है, कमेंट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में बताओ, क्या मैंने आपको बताया नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, 80IA में बताया होगा मैंने, ठीक है। व्हाट इज लीजिंग द एसेट, कहता है एसेट को लीज करने का क्या मतलब है, तो लीज और बाय में मैंने आपको लीज और ऑन वाले में मैंने आपको बताया नहीं है, बताए। राइट नोट ऑन द कैपिटल मिक्स, अगर आपको याद होगा कैपिटल स्ट्रक्चर वाले में मैंने बड़े अच्छे से बताया था कैपिटल मिक्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द डेट और इक्विटी, ठीक है, डेट इक्विटी, इक्विटी में भी आप इक्विटी प्रेफरेंस शेयर और रिटेंड अर्निंग, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मिक्स, सब मैंने बताया लॉजिक लॉजिक वाइज मैंने बताया। ये देखो कल जो मैंने वीडियो डाली थी उससे एक क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज बेटर फॉर डिफेक्टिव एसेट, रिपेयर और रिप्लेस। एक जो एसेट है वो डिफेक्टिव है, उसके लिए आपका बेटर ऑप्शन कौन सा है, क्या उसको रिपेयर किया जाए या उसको रिप्लेस कर दो। देखो डिफेक्टिव है आपकी एसेट जो है वो डिफेक्टिव है, अब यहाँ पर जो खेल है ना वो है आपका या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर का। आपको मालूम होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए डिडक्शन नहीं दी जाती, ना ही 30 में दी जाती है ना ही 32 में दी जाती है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए डिडक्शन दी जाती है 30 में भी और आपका 32 में नहीं, 30 में और 31 में, सॉरी 32 नहीं, 32 तो डेप्रिसिएशन का है, ठीक है। तो अगर आप कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलती 30 और 31 में नहीं मिलती और ना ही 37 में, जबकि अगर आप रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको उसको आपको उसकी डिडक्शन मिल जाती है। तो मुझे ये बताओ डिडक्शन मिलना ज़्यादा फायदेमंद है या नहीं मिलना, डिडक्शन मिलना ज़्यादा फायदेमंद है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब माना जाता है, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए, अगर एसेट को आप रिपेयर करते हैं, रिपेयर का मतलब है कि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, और अगर आप उसे रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं, एसेट को ही चेंज कर दिया, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, एक डिफेक्टिव मशीन है उसको आपको क्या करना चाहिए, उसको आपको रिपेयर करना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप रिपेयर करते हैं तो रिपेयर को हम बोलेंगे कि ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा हुआ है, और रेवेन्यू नेचर के खर्चे की डिडक्शन मिलती है पीजीपी में, और कहाँ मिलती है, सेक्शन नंबर आपके क्या बोलो उसने डिफेक्टिव एसेट, यानी कि एसेट तो मशीन, यानी कि सेक्शन नंबर 31। कल वाली बात से आप कोरिलेट कर लेना इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है, उसको फिर उसकी टोटल इनकम कम हो जाएगी, उसको टैक्स कम देना पड़ेगा, इस तरीके से वो अपनी टैक्स प्लानिंग कर लेगा। दो नंबर में इससे ज़्यादा और क्या लिखोगे आप लोग। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द साइंटिफिक रिसर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या समझते हो साइंटिफिक रिसर्च में, तो बाद में वहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखता है यहाँ पर, पहला उसने लिखा है व्हाट इज टैक्स प्लानिंग, कहता है व्हाट इज टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग क्या होती है, हाउ डिड द नीड ऑफ टैक्स प्लानिंग अराइजेस, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है टैक्स प्लानिंग की, एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस, ये सारा कुछ करा चुका हूँ आपको टैक्स प्लानिंग में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें से पूछ रखा उन्होंने, डिस्क्राइब द टैक्स प्लानिंग प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट इन्वॉल्विंग ए बिजनेस ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया। वैसे देखो दो क्वेश्चन आए पहली यूनिट में, पहला क्वेश्चन तो हमें बहुत अच्छे से आता है और कल भी यही क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, टैक्स प्लानिंग के रिगार्डिंग। दूसरा क्वेश्चन ये जो हॉस्पिटल वाला है ये अभी हम देखेंगे, अभी मैं कुछ डिडक्शंस और करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम कम से कम डिडक्शन करें, इंपॉर्टेंट डिडक्शंस करें, क्योंकि ज़्यादा डिडक्शंस करवाऊंगा ना तो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जो अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लो, बाकी इसके बाद जो मेरी वीडियोज आएंगी वो तभी देखना जब आपका पहले उतना पोर्शन आपका अच्छे से कवर हो चुका है जितना मैंने करवाया, ठीक है। यूनिट नंबर सेकंड में अभी देखो आप क्या कहता है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिडक्शन अलाउड टू द अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश्ड इन द बैकवर्ड एरिया। तो ये तो मैंने अभी करवाना है आपको इस वीडियो में, हाँ। फिर वो कहता है व्हाट इज अमल, अच्छा यूनिट नंबर सेकंड में देखो व्हाट इज अमलगमेशन ऑफ कंपनी, अमलगमेशन ऑफ कंपनी का क्या मतलब है ये मैंने बताया आपको, एक्सप्लेन द इंसेंटिव्स व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड टू द अमलगमेटेड कंपनी इन द इन दिस रिगार्ड। तो ये अमलगमेशन वाला तो बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ मैं, बहुत बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसको आप देखो फिर, ये सुनो, तो यानी कि आपको दो नंबर के क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं और आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट भी तैयार हो चुकी है, यूनिट नंबर सेकंड भी तैयार हो चुकी है ना। देखो इसमें तो यूनिट नंबर सेकंड में तो आपको दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं एक तरीके से, बैकवर्ड एरिया वाला अभी करवा दूंगा मैं आपको। अब देखो जरा हम इसमें यूनिट नंबर थर्ड देखते हैं, है ना, ये रहा आपका यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में आप जरा एक क्वेश्चन देखो, ये प्रैक्टिकल आया और एक आपका थ्योरेटिकल आया। क्वेश्चन नंबर सेवन देखो क्या लिखा है, व्हाट इज डिविडेंट, डिविडेंट क्या होता है बता चुका हूँ आपको।
इन व्हाट फॉर्म्स अ कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, किस किस तरीके से कंपनी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आपको बोल देना फाइनल डिविडेंड, आपको बोल देना इंटरिम डिविडेंड, और आपको बोल देना डीम्ड डिविडेंड। और डीम्ड डिविडेंड के मैंने आपको सारे केसेस करवा रखे हैं 222A से लेकर के 222E तक, सब अच्छे से आपको लिखने हैं, ठीक है। फिर वो उसने क्या लिख रखा आगे, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू मिनिमाइज द टैक्स लाइबिलिटी। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि डिविडेंड वाले भी मैंने आपको करवा दिया, विच मीन्स कि यूनिट नंबर थर्ड भी मैंने आपको करवा दी है ना। ये जरा देखो अब यूनिट नंबर फोर में क्या कहता है। यूनिट नंबर फोर में भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखो, डिस्कस द फैक्टर यू विल कंसिडर इन मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द मेक और बाय अ प्रोडक्ट फॉर इनकम टैक्स पर्पस। ये भी मैंने आपको बताया मेक और बाय के रिगार्डिंग, ठीक है डिसीजन। अब मेक और बाय जब मैं आपको ये देखो मेक और बाय वाला पोर्शन जब मैं आप लोगों को करवा रहा था तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर क्या करना है, मेक और बाय के बाद आपको इस तरह से लिखना है, इफ ए कंपनी डिसाइड टू मेक अ प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ बाइंग इट, अगर कंपनी डिसाइड करती है कि वो प्रोडक्ट को बनाए ना कि खरीदे, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारी डिडक्शन जो हमें अलाउ करती हैं अगर आप नया बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं कुछ स्पेसिफाइड एरियाज में, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इन सभी सेक्शन को आपको छोटा छोटा एक्सप्लेन कर देना है कि एक मैनेजमेंट जब डिसाइड करता है कि उसको नया प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनाए, तो आप लोग बात समझ रहे हो। तो मेक और बाय में छोटा नहीं बताया मैंने आपको, मेक और बाय का आंसर सबसे बड़ा बन सकता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10AA 10ATIA 80ISC। अच्छा इसमें मैं क्या क्या करवा चुका हूँ आपको, जिसने मेरी ये वाली वीडियो देख ली होगी उसको मालूम होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना, बार बार रिपीट करके कुछ फायदा नहीं है। तो सेक्शन नंबर 10AA हम लोग कर चुके हैं, 80IA हम लोग कर चुके हैं, 80IC आज करेंगे, ID आज करेंगे, IE आज करेंगे, आज मतलब इस वीडियो में, ठीक है। और फिर उसके बाद में 80ISC और 80IB आप लोगों को करवाऊंगा, जो वो हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन आया है ना यूनिट नंबर फर्स्ट में, वो 80IB से आया है। अब मुझे बताओ क्या आपको अभी तक डर लगा, सारा पेपर अभी भी आप करने के लिए जाओ तो आप उस पेपर को कर दोगे अगर आपने मेरी सारी वीडियोज अभी तक देख ली हैं, ठीक है। तो डरने की बिल्कुल ही बात नहीं है, हम लोग इजीली अपना ये पोर्शन कवर करते हैं आज। चलिए जी एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला सेक्शन है 80IC। अब मैं 80IC कौन सा करवा रहा हूँ, ये देख रहे हो आप, ये वाला मैं सबसे पहले करवा रहा हूँ 80IC। अब इससे आपके ना दो फायदे हैं, एक तो आपको मेक और बाय वाला आंसर भी तैयार हो रहा है, और अगर 80IC इंडिविजुअली भी आ जाए तो हम बहुत कुछ लिख पाएंगे उसमें भी, है ना। इतनी बात आपको समझ आई, तो 80IC सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो 80IC किसके रिगार्डिंग है, देखो 80IC की डिडक्शन मिलती है ऐसे SEC को जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है ना। सो देखो क्या लिख रहा है, दिस डिडक्शन इज अलाउड टू SEC डूइंग बिजनेस इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। भारत में 29 राज्य हैं, देर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया। अब इनमें से कुछ स्टेट आपके क्या हैं, बैकवर्ड हैं। क्या वर्ड बोला मैंने बैकवर्ड। और अगर आपको पता होगा ये जो बैकवर्ड वाला पोर्शन मैंने आपको बताया था, ये मैंने बोला था कि आज मैं आपको क्या करवाऊंगा, मैं आपको बैकवर्ड एरियाज के रिगार्डिंग डिडक्शन करवाऊंगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यार एक चीज पढ़ो और दो तीन टॉपिक अपने आप कवर हो रहे हैं उसमें। हाँ यही तो फायदा है इसमें कॉर्पोरेट टैक्स में। यहाँ पर देखो टैक्स प्लानिंग विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स इंसेंटिव, यहाँ पर आपको फ्री ट्रेड जोन वगैरह वाले लिख देने। तो यानी कि आपके यहाँ पर 80IC तैयार हो रहा है। 80IC के साथ साथ अगर मैं बोल दूँ कि बैकवर्ड एरिया के रिगार्डिंग क्या क्या टैक्स प्रोविजंस हैं, तो वो भी आपका तैयार हो रहा है। और अगर आपको पता हो तो पिछली बार ये बैकवर्ड एरिया वाला क्वेश्चन आया था जिसके साथ आपका अमलगमेशन वाला आया था। अगर बैकवर्ड और अमलगमेशन में चॉइस आ गई तो आप क्या करोगे, आपको अमलगमेशन वाला करना है, आपको अमलगमेशन वाला करना है। मैंने बहुत अच्छे से कराया है, ठीक है। अच्छा अब ये जो मेरी डिडक्शंस हैं, ये डिडक्शंस अब देखो है क्या ना, मैंने वीडियोस काफ़ी पहले से बनानी स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। अब मैं हर वीडियो में ना, अब आज तो स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, तो अगर जो मेरी वीडियोस स्टार्टिंग से देख रहे हैं, चाहे आपने कल से देखनी स्टार्ट करी, अगर अभी तक मेरी आपने सारी वीडियोस देख ली तो उसी के बाद आप इन डिडक्शंस में आएं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ना पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। आप ये जज मत करना कि इस वाली वीडियो में कम एक्सप्लेन करूं, मैं उतना ही एक्सप्लेन करता हूं जितना रिक्वायर्ड है, और जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं क्यों रिपीट करूं, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 80IC की रिडक्शन। इतना आपको पता है कि 80IC की रिडक्शन किसको मिलेंगी,
उन सभी एसएससीज को मिलेंगी, उन सभी बिजनेसेस को मिलेंगी जो कहाँ बिजनेस कर रहे हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कर रहे हैं। इतना मुझे पता है एसएससी का मतलब बिजनेस नहीं होता, लेकिन एसएससी मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो उस समय मैं इस तरह से बोलता हूँ कि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। अब मैं यहाँ पर बोलूँ एसएससी मीन द पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, एसएससी कैन बी एनी वन, इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी पार्टनरशिप, इट कैन बी हिंदू डिवाइडेड फैमिली, इट कैन बी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आप कन्फ्यूज होंगे खामखा। तो मैं क्या बोलूंगा, ये रिडक्शन उस एसएससी को मिलेगी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में बिजनेस कर रहा है। अब आप बोलेंगे जी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो देखो जो हमारे देश में बैकवर्ड स्टेट्स हैं ना उनको हमने नाम दे रखा है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, आप यहाँ पर देखेंगे सिक्किम है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अच्छा, तो अभी तक आपको क्या क्या पता लगा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन सी हैं, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये आपकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं, ये बैकवर्ड एरियाज हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो सरकार क्या करती है, सरकार कहती है कि देखो दोस्तों अगर आप इन एरियाज में बिजनेस करते हैं, सिक्किम में जा करके, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जा करके बिजनेस करते हैं तो हम आपको टैक्स में क्या देंगे, छूट देंगे। तो देखो क्या लिख रखा है, टैक्स होलीडे टू द न्यू अंडरटेकिंग और एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट इन द स्टेट ऑफ द सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉट टू मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल विच आर मेंशन्ड इन शेड्यूल नंबर 13 बट टू मैन्युफैक्चर आर्टिकल विच आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 14। बात बड़ी सिंपल सी वो कहता है, वो कहता है देखो ये रही गवर्नमेंट और ये रहा एक बिजनेसमैन। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट इसको कहती है तुम क्या करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहता हूँ, इसने बोला बिजनेस करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट कहती है हमारी एक स्कीम है, इसने बोला क्या स्कीम है। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप हिमाचल प्रदेश में जा करके, उत्तराखंड में जा करके, सिक्किम में जा करके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जा करके अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं या आपने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया हुआ है, मेरी बात को समझना, सरकार ये स्कीम लेकर के आई 2002, 2003 और 97 से, तो अगर इससे पहले भी किसी ने अपना बिजनेस इन एरियाज में इस्टेब्लिश किया होगा तो क्या हम उसको रिडक्शन नहीं देंगे, देंगे। तो यानी कि अगर आपने पहले से इन एरियाज में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर रखा है तो रिडक्शन मिलेगी, और अगर आप न्यूली फ्रेश बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो भी आपको रिडक्शन मिलेगी। समझ गए बात को, तो यानी कि न्यू अंडरटेकिंग हो, नया बिजनेस हो चाहे एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, आपको डिडक्शन मिलेगी। शर्त क्या है, शर्त यह है कि हिमाचल प्रदेश, या तो आप हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाकर के बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस करते हैं, वो चीजें बनाते हैं, चीजें मतलब आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स आप बनाते हैं, वो चीजें बनाते हैं जो शेड्यूल नंबर 14 में बताई गई है। सरकार ने शेड्यूल नंबर 14 में बताई होंगी, और शेड्यूल नंबर 14 में जो चीज़ें बताई हैं अगर आप वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे 80IC में। आप वो चीज़ें ना प्रोड्यूस करें जो शेड्यूल नंबर 13 में बताई हैं। तो मैं आपको क्या कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। क्या सिंपल सी बात बोली कि 80IC की रिडक्शन ऐसे SEC को मिलेगी जो स्पेशल कैटेगरीज स्टेट में जाकर के बिजनेस करेगा। वो उसका बिजनेस नया बिजनेस हो सकता है, वो उसका बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस हो सकता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, यानी कि पुराना बिजनेस हो सकता है। हाँ, वो जो चीज़ें बनाएगा वो चीज़ें बनाएगा जो शेड्यूल नंबर 14 में बताई गई है, और वो चीज़ें नहीं बनाएगा जो शेड्यूल नंबर 13 में बताई गई है। बात मेरी समझ आई? हाँ, आपकी बात समझ आई। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं हो रहा कि 14 में बता दिया तो 13 में, फिर 13 को हमने क्यों बताया? देखो, जब मैंने 14 वाला शेड्यूल बता दिया, अच्छा आपको 14 ऐसे नहीं लिखना, आपको 14 ऐसे लिखना है। अब जब मैंने 14 वाला शेड्यूल बता दिया तो बिजनेसमैन को कौन सी चीज़ें बनानी पड़ेंगी शेड्यूल नंबर 14 में? क्या बिजनेसमैन इसके अलावा कुछ नहीं बना सकता? बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं बना सकता शेड्यूल नंबर 13 वाली चीज़ें। हैं, शेड्यूल नंबर 14 वाली चीज़ें बना सकता है? बना सकता है। शेड्यूल नंबर 13 वाली चीज़ें बना सकता है? नहीं बना सकता। इसके अलावा जो भी चीज़ें बन गई वो बना सकता है? हाँ, वो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बात समझ आई? यानी कि आपको शेड्यूल नंबर 13 वाली चीज़ें तो बनानी नहीं है, और अगर आप शेड्यूल नंबर 14 वाली चीज़ें भी नहीं बनाते तो भी आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी। 14 वाली चीज़ें तो बनानी है, बनानी ही बनानी है, 13 वाली चीज़ें नहीं बनानी। उसके अलावा और भी कुछ बना सकते हो? हाँ, बना सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ आई? हाँ, समझ आ गई। अब देखो, डेट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करना है। तो देखो, अगर
अब देखो कंपनी, अब देखो जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेसमैन क्या हो सकता है, या तो वो कंपनी हो सकती है, या वो पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या वो हिंदू डिवाइडेड फैमिली हो सकता है ना। तो हमने क्या कर दिया, दो कैटेगरी में बांट दिया, कंपनी को कितनी डिडक्शन मिलेगी और कंपनी के अलावा जो भी बिजनेसेस हैं उनको कितनी डिडक्शन मिलेगी। तो अगर आप सिक्किम में जाकर के बिजनेस करते हैं, अब मैं आप रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कंपनी को और अदर्स को, अगर आप सिक्किम में जाकर के बिजनेस करते हैं और आप कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करते हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगी आने वाले 10 सालों तक। क्या बोला मैंने, आने वाले 10 सालों तक आप जितना भी प्रॉफिट कमाते जाएंगे उसकी आपको 100% डिडक्शन मिलती जाएगी अगर आप कंपनी हैं, और अगर आप कंपनी के अलावा कुछ और हैं तो भी आपको 100% मिलेगी, ठीक है। अगर आप हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में जाकर के बिजनेस करते हैं, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में जाकर के बिजनेस करते हैं तो पहले 5 साल तक आपको 100% रिडक्शन मिलेगी, चाहे आप कंपनी के फॉर्म में जाकर के बिजनेस करते हैं या कंपनी के अलावा किसी भी फॉर्म में करते हैं। उसके अगले 5 सालों में आपको 30% रिडक्शन मिलेगी अगर आप कंपनी हो, और कंपनी के अलावा अगर कुछ हो तो आपको 25% मिलेगी। मेरी बात को समझे आप, सिक्किम में तो हमने 10 साल में 100% रिडक्शन दे दी, लेकिन जो आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं हैं। उत्तराखंड आप लोग कहीं जाते हैं, हिमाचल प्रदेश भी आप लोग जाते हैं तो आपको इतना बैकवर्ड नहीं दिखता होगा वो, लेकिन सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ये ज़्यादा बैकवर्ड है। तो इसलिए सरकार ने क्या करा, पहले 5 साल तक इनको बोल दे तुम 100% ले लो, लेकिन उसके बाद अगले 5 साल तक आपको 30% और 25% ही रिडक्शन मिलेगी। अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो हम आपको कितने रुपये तक रिडक्शन दे देंगे, 30 रुपये तक की रिडक्शन दे देंगे। मेरी बात समझ आई आपको, हाँ ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर कंपनी बिजनेस करती है तो आने वाले 10 सालों तक 100% रिडक्शन, और आने वाले 10 सालों तक अदर्स को भी 100% रिडक्शन। क्या आपने इसको भी ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, मतलब देखो अगर एग्जाम में डायरेक्टली आ जाए कि बैकवर्ड एरिया के बारे में डिडक्शन दो, बैकवर्ड एरिया के बारे में एक्सप्लेन करो, तो आपको फिर इनको ना एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है कि अगर हम सिक्किम में जाकर के बिजनेस करते हैं तो कंपनी को, समझ रहे हो ना, लाइन टू लाइन। फिर आप चार्ट लास्ट में बना दे, लेकिन चार्ट पहले मत बनाना, ठीक है, इससे आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। समझ गए होंगे यार आप लोग, कलाकार तो हुई, ठीक है। उसके बाद यहां तक आपको बात समझ आ चुकी है बहुत अच्छे से। उसके बाद देखो एक बात हमें समझ आती है कि सिक्किम हमें पता है, हिमाचल प्रदेश हमें पता है, उत्तराखंड भी हमें पता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट क्या है। अच्छा देखो यहां पर अगर मैं आपको बोलूं, ये आपको मैप दिख रहा है इंडिया का, ठीक है। अब देखो ये अगर मैं एक लाइन यहां से खींच दूं आपकी, यहां से अगर मैं एक लाइन खींच दूं और एक लाइन में इधर से खींच दूं, तो देखो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। वो कहता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि नॉर्थ और ईस्टर्न इन दोनों के बीच में, यानी कि इस एरिया में जितने स्टेट्स हैं वो उनकी बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब आपको कंफ्यूजन ना हो तो उसने नाम भी बता दिया, क्या नाम बताया उसने, ये देखो वो कहता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का मतलब क्या, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और ये देखो यहां पर आपको ये सारे स्टेट्स नजर आ जाएंगे। ये देखते हैं हम, इधर देखो जरा, ये देखो यहां आपको दिख रहा है, ये देखो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। और इधर आपका है, इधर अगर आप देखोगे ये रहा आपका उत्तराखंड और ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इन सबको क्या मिलती है, रिडक्शन मिलती है। देखो इधर वाले स्टेट्स हैं, याद करने में इजी रहेगा इसलिए मैंने आपको मैप भी दिखाया, ठीक है। ये याद कर लोगे आप लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्या होती हैं। कंडीशन क्या क्या है, जो अब देखो ये जो कंडीशन है ये आपकी वही है जो मैंने ATIA में आपको बताई थी। तो देखो मैं एक बार रीड करूंगा बस, ATIA देख लेना अगर आपको ये कंडीशन समझना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है और ये हर जगह रिपीट हो रही है। सो नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था तो वो आपका उसको रिकंस्ट्रक्ट करके नहीं बनना चाहिए, मतलब समझ रहे हो आप। देखो थोड़ा तो समझाऊंगे ना, ऐसे भी थोड़ी है। यहां देखो क्या बोला कि अगर आपका जो बिजनेस है वो स्प्लिट अप करके बिजनेस ना बने, ठीक है। पहले आपका ये पूरा बिजनेस था, आपने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। अब एक बिजनेस में आप आर्टिकल नंबर
13 वाली चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो, आर्टिकल नंबर 14 वाली चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, और दूसरे में आप नॉर्मल चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो, इसके लिए डायरेक्शन लेना चाहते हो। तो उसने बोला नहीं, आप ना तो बिजनेस स्प्लिट अप करके, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया पहले, ठीक है, बार बार चीज़ें ना रिपीट करते हो, मुझे भी मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं बेकार समझाने लगता हूँ फिर, तो बेटर है कि आप वही वाली वीडियो जा करके देखें। सो नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और नॉट फॉर्म्ड बाय रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि स्प्लिट अप रिकंस्ट्रक्ट करके आपका बिजनेस ना बना हो। नॉट फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ द सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी का ट्रांसफर करके ना बनाओ, ये सारी बातें मैं बता रखा हूँ, लेकिन अगर इंपोर्ट करके लाते हो तो उस केस में आपको अलाउड हो जाता है, ठीक है, सब बता रखा मैंने। उसके बाद देखो, इफ क्लेम्ड डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन देन नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन एनी अदर डिडक्शन इन एनी अदर सेक्शन। अगर आपको सेक्शन नंबर 80 ये देखो ना क्या है, अगर वो कहता है कि आपको 80 में डिडक्शन मिल गई है, किसके रिगार्डिंग, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आप जाकर के बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या आप दूसरी सेक्शन में जाकर के डिडक्शन ले लेंगे? द आंसर इज नो, आपको डिडक्शन नहीं लेनी। इतनी बात आपको समझ आई? हाँ समझ आ चुकी है, ठीक है। अब देखो, 80 के बाद क्या है, 80 के बाद है आपका 80। अच्छा आप बोलोगे 80 इतना ही है, हाँ दोस्त इतना ही है, ठीक है। अब 80 हम बाद में करेंगे, 80 से पहले मैं 80 आपको करवाना चाहता हूँ। अच्छा 80 में हमने क्या क्या देखा, 80 में हमने सिंपली ये देखा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर कोई भी ऐसे बिजनेस करता है तो उसे डिडक्शन मिलती है, और वो आपका बिजनेस नया भी हो सकता है और पुराना भी हो सकता है, ठीक है। और आपको ये बता देना है कि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन ये डायरेक्शन से याद करने की जरूरत है कि 100% ये सब मिलेगा। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपको याद कर लेना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, कंडीशंस आपको पता है, 3 कंडीशंस हैं। इसके बाद मैं आपको करा क्या रहा हूँ, मैं आपको साथ में ये भी तो करवा रहा हूँ कि बैकवर्ड एरिया में अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको क्या डायरेक्शन मिलेंगी। तो 80 भी कुछ कुछ वैसा ही है बैकवर्ड एरिया के रिगार्डिंग। 80 आप लोगों ने देख लिया, 80 अभी हम देखेंगे, लेकिन 80 आपको करवा रहा हूँ। अगर वो बैकवर्ड एरिया के रिगार्डिंग डिडक्शन पूछे तो आपको क्या लिखनी पड़ेगी, 80 और 80, ठीक है, इसलिए मैं आपको 80 साथ के साथ करवा रहा हूँ। तो देखो 80 क्या कहता है, 80 कहता है स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अंडरटेकिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अगर कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाकर के बिजनेस करता है तो उसको क्या मिलेंगी, डिडक्शन मिलेंगी, ठीक है। अभी समझते रहना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। आप बोलोगे ऊपर भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट था, हाँ ऊपर नॉर्थ ईस्टर्न भी था, ऊपर हिमाचल भी था, उत्तराखंड भी था और सिक्किम भी था, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी आ रहे थे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, है ना, ये सारा वही तो लिखा मैंने, ठीक है। तो ये सारा, तो अगर आप यहाँ जा करके बिजनेस करते हो, कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जा करके बिजनेस करते हो, तो आपको कौन सी रिडक्शन मिलेगी, 80 की रिडक्शन, ठीक है। अब आप बोलोगे ऊपर भी, तो ऊपर जो ऊपर क्या बताया था आपको, ऊपर बताया था आपको कि आप कौन सा बिजनेस करेंगे, केवल जो आपको आर्टिकल नंबर 14 में बताई गई चीजें, भूल गए ना आप, तो एक तो भूल जाते हो। देखो यहां पर क्या लिख रखा है, मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स विच आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 14। शेड्यूल नंबर 14 में अगर आप बताई गई चीजों को प्रोड्यूस करते हो तो आपको 80 की रिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद 80 में मैं क्या बोल रहा हूं, आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, ये बात आपको समझ आती है। अगर आप 14 के अलावा कुछ चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको 80 में रिडक्शन मिल जाएगी, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। तो ये देखो एलिजिबिलिटी क्या है, द अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग एनी एलिजिबल आर्टिकल्स और थिंग्स, ये भी सरकार ने बता रखी है, ठीक है, एनी एलिजिबल आर्टिकल्स और थिंग्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ तो मैं उन दोस्तों को साथ में लेकर के चलता हूँ जो अभी अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनको थोड़ी परेशानी होती है। अब कोई टॉपर है, वो टॉप मानने के पर्पज से वीडियो देख रहा है और वो मुझे जज कर रहा हो कि ये तो यार लिमिटेड चीज़ें बता रहा है, तो दोस्त मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा, ठीक है, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जिनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, टाइम बहुत लिमिटेड है, तो उनके हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। एलिजिबिलिटी की बात देखो, एलिजिबिलिटी की बात क्या है, अभी ये एग्ज़ाम कवर हो जाएँ एमकॉम वगैरह के, उसके बाद मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊँगा सीएस के रिगार्डिंग। मेन पर्पज तो मेरा इस चैनल को ओपन करने का सीएस के रिगार्डिंग ही है, ठीक है। तो सीएस के, बीकॉम के देखते हैं, जिस हिसाब की डिमांड आती है उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो किस कौन एलिजिबल है, वो कहता है अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग एनी एलिजिबल आर्टिकल्स और थिंग्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, ये तो मैंने बता दिया। लोकेशन ऑफ अंडरटेकिंग, कहाँ आपका बिजनेस कहाँ लोकेट होना चाहिए, तो आप खुद ही बता दो यार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपका बिजनेस लोकेट होना चाहिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का मतलब बता दिया। फॉर्म्स ऑफ अंडरटेकिंग,
चाहे आप कॉरपोरेट हो या नॉन कॉरपोरेट हो, यानी कि मैं कह सकता हूं हर एक एसएससी को रिडक्शन मिलेगी 80IE की, हर एक एसएससी को। लेकिन वह एसएससी क्या करता हो, वह एसएससी एलिजिबल आर्टिकल्स और थिंग्स प्रोड्यूस करता हो, कहां प्रोड्यूस करता हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। क्या ये सारी कंडीशन हमें एक साथ सेटिस्फाई करनी पड़ती है? हाँ, अगर आप जम्मू कश्मीर में जाकर के बोले कि मैं एलिजिबल आर्टिकल और थिंग्स से प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो फिर आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी। कहाँ प्रोड्यूस करनी है आपको? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपको स्पेसिफिकली बता दी उसने, यहाँ तो हमें कहीं मध्य प्रदेश का नाम नहीं दिखता, यहाँ तो हमें कहीं राजस्थान का नाम नहीं दिखता। बात समझ आ रही है? उसके बाद देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है जो आपका बिजनेस है वो प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड में स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर डेट नहीं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर डेट्स थी ना, लेकिन मैंने आपको बोला था कि डेट याद मत करो कन्फ्यूजन होगा। तो वही है कि आपका बिजनेस एक उस टाइम पीरियड में स्टार्ट हो जाना चाहिए जो टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने बताया। नो स्प्लिट अप ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस, नो यूज ऑफ द सेकंड प्लांट एंड मशीनरी इंपॉर्टेंट वन इज अलाउड, डुप्लीकेशन ऑफ द डिडक्शन इज नॉट अलाउड। यानी कि इस डिडक्शन, इस सेक्शन में अगर आपको डिडक्शन मिल गई तो क्या किसी दूसरे सेक्शन में आपको डिडक्शन देंगे? द आंसर इज नो। रेट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा आपको? 100% मिलेगा। कितने सालों तक मिलेगा? 10 सालों तक मिलेगा। आई होप आपको 80IC और 80IE क्लियर हुआ होगा। अगर आपको बैकवर्ड एरिया पूछेगा, बैकवर्ड एरिया अगर आपको पूछता है तो आपको कौन कौन सी डिडक्शन लिखनी है? 80IE वाली और 80IC वाली, ठीक है ना? 80IC और 80IE वाली, ठीक है। अब आपको याद कैसे रखना है? तो देखो 80IE में क्या आ रहा है, ई, और ई का मतलब क्या होता है? ईस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न बोल रहे हैं ना हम, नॉर्थ ईस्टर्न। तो आप 80IE में याद रखना कि यार ईस्टर्न स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में याद रहेगा ना आप 80IE किसके रिगार्डिंग है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, ठीक है। उसके बाद 80IC किसके रिगार्डिंग है, यहां पर याद रखना कि नाम क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो कैटेगरी से सी याद रखना, सी बोले तो कैटेगरी, ठीक है। तो 80IC में किसको मिलेगा? स्पेशल कैटेगरी स्टेट वालों को, ठीक है। और 80IE में आप क्या रखना है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ठीक है। अब वो आपको पता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर तो शेड्यूल नंबर 14 में जो आर्टिकल बताएं वो प्रोड्यूस करो, बाकी आप स्पेशल, बाकी आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाकर के कुछ और प्रोड्यूस करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 80IE की रिडक्शन मिलेगी। और वो कुछ और क्या होना चाहिए जो सरकार ने आपको बताया हो, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एलिजिबल चीज़ें आप क्या करें, प्रोड्यूस करें। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब मैं इसमें 80IDA भी मिक्स नहीं कर रहा, ठीक है, वो इसलिए कि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो बैकवर्ड एरिया के लिए आपको 80IC और 80IE तैयार करना है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में 80ID वगैरह लेकर के, और शायद मैं अमलगमेशन वाला पॉइंट भी यहाँ पर जो बचा हुआ है हमारा लास्ट वीडियो को, उसको भी यहाँ पर कवर करता हूँ। थैंक यू सो मच।